एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। आपका मोस्ट रिक्वायर्ड चैप्टर जो है फॉर द पर्पस ऑफ नवंबर 19 एग्ज़ाम, हम असेसमेंट एंड असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज़ के क्वेश्चनियर्स के लिए मिलते हैं। अब इसके क्वेश्चनियर्स सॉल्व करते हैं, इसके वीडियोस आज अवेलेबल होंगे आपको। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इलस्ट्रेशन नंबर वन। इलस्ट्रेशन नंबर वन, अ डोमेस्टिक कंपनी ABC लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर 1920 एंड सीक्स योर ओपिनियन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 115JB। ये मैट है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट होता है ये। ओके, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान जाओ भाई कि इस पे केवल क्वेश्चन पे जो कंसेप्ट आएंगे उनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फास्ट लेन में, वो भी ठीक है। एंड अदर थिंग, पूरा 115JB मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, इतना ज़्यादा टाइम अब आपके पास भी नहीं है। केवल और केवल इसके की पॉइंट्स जो सारे के सारे क्वेश्चंस में आ ही जाएंगे, और जितना जिस बेसिस पे मैं अपने लेक्चर्स को अपलोड कर रहा हूँ उसी बेसिस पे आप जल्द से कर लो। आपको इतना पता होना चाहिए कि जब आप लेक्चर्स देखते हो तो मेरे यूट्यूब पे दिखाता है कि कितना वॉच टाइम आया, मतलब कितनी देर लेक्चर्स को देखा गया। आपकी डिमांड पर जब मैंने असेसमेंट प्रोसीजर को डाला था, मेरा वॉच टाइम अचानक से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया। मुझे पता चला कि आप लोगों ने असेसमेंट प्रोसीजर्स को देखा है, इसीलिए फिर मैं ये ट्रस्ट वाला भी बना के डाल रहा हूँ, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी में बना के डाल रहा हूँ। एंड एक बात और बता दूँ, ये वॉच टाइम तभी दिखाता है अगर आप बिना डाउनलोड के डायरेक्ट देखते हैं। जो लोगों ने डाउनलोड करके देखा होगा उनका तो मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन जो डायरेक्ट देखते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग मेरा वॉच टाइम दिखाता है। और जब वॉच टाइम होता है तो फिर मुझे पता चल जाता है, अगर आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो मैं इसको बना के डालूँ। ओके, चलो। प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, 215 लाख रुपीज़, ठीक है। ये बस हमें अभी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अभी दिमाग मत लगाना, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे। ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड 215 लाख रुपये में क्या क्या है, क्रेडिट क्या है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज। सर, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज तो हमेशा 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 एग्जेम्प्ट होता है, तो ये यहाँ क्या कर रहा है, ये एग्जेम्प्ट होता है, इट मीन्स इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। एक्सेस रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ लैंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, अभी इसके बारे में बताता हूँ मैं। डेबिट क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सर, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, इसकी इनकम को ही हम कंसिडर नहीं करते, इसके लॉसेस को कंसिडर करेंगे क्या, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अभी मैं कुछ नहीं बताने वाला। पहले एक चीज इतना जानिए, जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है किसी भी हेड में, जैसे एग्रीकल्चर इनकम ही है, उसको मैट में नहीं लेते हैं। जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है उसको मैट में नहीं लेते हैं। और इसमें करते क्या हैं, इनकम टैक्स एक्ट का PL की बात नहीं होगी, इनकम टैक्स एक्ट के PL की बात नहीं होगी। मैट कैलकुलेशन में हम कंपनीज एक्ट वाले ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ प्ले कर रहे होते हैं, कुछ एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। सर, क्या है ये मैट, देख लो, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई टैक्स आ रहा है, ठीक है, और ये बहुत लो है, तो एक दूसरा रूल आता है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हारा आ रहा है ना, उसका 18.5% मतलब 18.5% निकाल लो। अगर ये वाली फिगर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो टैक्स आ रहा है इससे ज़्यादा है तो मैट पे कर दीजिए। जितना ज़्यादा पे किए उसका मैट क्रेडिट मिल जाता है 15 ईयर्स तक के लिए। सर, ये मैट क्रेडिट क्या होता है, मान लो किसी ईयर में इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स नेक्स्ट ईयर की बात करें, इनकम टैक्स 2 लाख का आया, तुम्हारा मैट 3 लाख का आया, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 3 लाख मैट पे करना पड़ेगा। 1 लाख एडिशनल तुमने पे जो किया इनकम टैक्स से, 1 लाख जो ज़्यादा पे किया है इसके लिए तुम्हें मैट क्रेडिट मिल जाएगा 15 ईयर्स तक के लिए। अब कोई दूसरा ईयर आया जब इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली तुम्हें 12 लाख रुपये पे करना है और तुम्हारा मैट जो है वो 6 ही लाख रुपए है, तो यहाँ पे तो तुम इनकम टैक्स अकाउंट ज़्यादा पे करो ना, उस समय तुम्हारा मैट क्रेडिट काम आएगा। ओके, ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट ईयर भी मान लो इनकम टैक्स आ रहा है 3 लाख रुपए और मैट आ रहा है, मैट तुम्हारा आ रहा है 6 लाख रुपए, तो मैट क्रेडिट काम होगा, ऐसा नहीं होगा। कैशबैक जब हम लोग को कोई ट्रांजेक्शन का मिलता है तो कैशबैक से ट्रांजेक्शन करने पर क्या फिर से कैशबैक मिलता है, बिल्कुल नहीं। इसीलिए समझ लो, कैशबैक से दोबारा कैशबैक नहीं मिलता है। तो वही है कि मैट अगर ज़्यादा है तब नहीं मैट क्रेडिट मिलेगा, जब इनकम टैक्स ज़्यादा होगा तभी मैट क्रेडिट मिलेगा। ओके, क्लियर होगा आप लोगों को। आइए क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन पे अपने चलते हैं हम लोग। क्या हो रहा है भाई? हाँ, डोमेस्टिक कंपनी एबीसी फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। एबीसी ने फॉलोइंग पर्टिकुलर्स की और हमें 115JB देखना है। इसका मतलब हमें पहले इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग पीएल निकालना होगा, उस पर टैक्स निकालना पड़ेगा। उसके बाद बुक प्रॉफिट एज पर 115JB निकालेंगे और इस पर टैक्स देखेंगे, इस पर टैक्स देखेंगे। अब जो टैक्स ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जो टैक्स ज़्यादा अमाउंट का होगा, हायर अमाउंट का होगा, वो टैक्स कंपनी पे लग जाएगा। 115JB मैट जो है सिर्फ कंपनीज पे लगता है। और एक आप पढ़ेंगे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, वो लगता है कंपनीज को छोड़ के इंडिविजुअल पे, HUF पे, AOP, BOI पे। लेकिन ये जो मैट है ना कंपनी पे लगता है, कंपनी इंक्लूड फॉरेन कंपनी। ओके, ठीक है सर, समझ में आ गया? आ गया सर। प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 215 लाख रुपए था। अब हम इनकम टैक्स वाले प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसमें डिविडेंड इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनीज तो एग्जेम्प्ट होती है, वो डिडक्ट हो जाएगा। इसका मतलब एक्सेस रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ लैंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, ये क्या इसका पार्ट है, बिजनेस का पार्ट है? बिल्कुल नहीं, ये भी डिडक्ट होना चाहिए पीजीबीवी से। डेप्रिसिएशन ऑन SLM बेसिस, सर एडबैक करो पहले। क्यों एडबैक करोगे सर? SLM बेसिस का हम लेते ही नहीं है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के केस में सिर्फ स्पेसिफिकली होता है, बाकी तो WDV लेते हैं। तो हम कौन सा डेप्रिसिएशन डिडक्ट करेंगे सर? 150 लाख, जो कि डेप्रिसिएशन अलाउबल एज पर इनकम टैक्स रूल्स है। अभी हम क्या निकाल रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, IT एक्ट के अकॉर्डिंग अभी हम टैक्स निकाल रहे हैं। अभी मैट की बात मत करना, जो PGPP में आपने पढ़ा था सिर्फ उसी की बात करिएगा। प्रोविजन ऑफ लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, सर ये भी डिडक्ट करिए, ये भी डिडक्ट करिए सर। लॉस अगर हुआ है तो सब्सिडरी कंपनी का वो भी डिडक्ट होता है, PGPP में हमने देखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड मेंशन्ड अबव एज कंप्यूटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये PGPP हेड में, हम PGPP में नहीं, कैपिटल गेन अलग से कैलकुलेशन होगी। लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर इनकम टैक्स एक्ट, बिजनेस लॉसेस 50 लाख का बेनिफिट मिलेगा, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन 60 लाख का, दोनों का बेनिफिट मिलेगा। मैट में अलग कैलकुलेशन होती है इसकी, अभी मैं बताता हूँ। द कंपनी हैज रिप्रेजेंटेड टू यू दैट द एक्सेस रियलाइज ऑन सेल ऑफ लैंड कैन नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बुक प्रॉफिट फॉर द पर्पज ऑफ 115JB। You will have to deal with the issue assuming that ABC Limited is not required to comply with Ind AS, Indian Accounting Standard. The turnover of ABC Limited is in the previous year 16-17 was ₹240 crore. अगर previous year 16-17 में किसी का turnover 250 crore से कम होता है तो इसके लिए tax rate क्या होता है, 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 याद होगा 25% होता है। ये स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली होगा, और भैया इस चीज़ को भूल मत जाना, क्योंकि ये तुम्हें दिया ही है इसीलिए ताकि गलती से बिना लाइन पढ़े आप 30% के टैक्स रेट से सॉल्व कर दें और पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व करने के बाद भी आपको नंबर मिल जाए 2, 4, 1, 14 नंबर में से। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। इन केस ऑफ अ कंपनी इट हैज बीन provided that tax is 18.5% of book profit exceed tax on total income computed as a normal proviso, the book profit shall be the deemed to be the total income tax purpose। यही बात लिखी है कि अगर 18% book profit का देखेंगे और income tax act के according tax देखेंगे, जो ज़्यादा होगा उसी को tax मान लेंगे, वही tax purpose के लिए income मान ली जाएगी। ओके, कोई अलग बात नहीं लिखी है। देखो, it is therefore necessary to compute total income as per income tax 1961 as well as book profit, दोनों तरीके से निकालना है। तो अभी हम क्या निकाल रहे हैं? कंप्यूटेशन किस बेसिस पे कर रहे हैं? इनकम टैक्स बेसिस पे कंप्यूटेशन कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट 215 लाख था, डेप्रिसिएशन जो पीएल के अकॉर्डिंग था वो ऐड होगा, और प्रोविजन ऑफ लॉसेस ऑफ सब्सिडरी, ये प्रोविजन है, ये भी ऐड होगा, प्रोविजन भी ऐड होगा, सारे प्रोविजन ऐड हो जाते हैं। तो 100 और 60, ये 160 ऐड होगा 215 में। स्पीड फास्ट लग रही है, मैनेज करो ब्रदर, प्लीज मैनेज करिए बेटा आप। लेस डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट थी, जो इनकम एग्जेम्प्ट होती है उसको टैक्सेबल कर ही नहीं सकते, और एक्सेस रियलाइजेशन ऑफ लैंड जो हुआ है ना इसको, तो भाई देखो ये लाइन तुम ना कर लो, कंसीडर्ड सेपरेटली ही करेंगे इसको, ये एसेट बेस्ड मामला है। इसका हम PGPP में क्यों घुसे? इस चीज को एसेट बेस्ड मामला है, PGPP में तो इसकी डीलिंग होगी नहीं, कंसीडर्ड सेपरेटली इसलिए। और डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स एक्ट वाला है वो डिडक्टेबल हो जाएगा 150 लाख। ये टोटल आपका डाटा दिया हुआ है, टोटल डाटा दिया हुआ है, और ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपका देखिए 175 लाख बिजनेस इनकम आ रही होगी। यहां तक एक बार आप पॉज करके फिर से देख लीजिए। नेट प्रॉफिट 215, ये दोनों ऐड हुआ है, 160 ऐड करेंगे 375 आ रहा है। डिविडेंड इनकम 20 की दी थी, एग्जेम्प्ट हो गई, और ये 30
करोड़ रुपए की सॉरी 30 लाख रुपए कंसिडर सेपरेटली करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मामला क्या है, सेल ऑफ लैंड मतलब असेट रिलेटेड मामला है। क्या हमारा एसेट बेचने का धंधा था? बिल्कुल नहीं सर, तो इसको तो हम सेपरेटली रिलेटेड देखेंगे ना, पीजीबीपी में नहीं आएगा। ओके, पीजीबीपी की इनकम हमारी आ गई 175 लाख, तो सेट ऑफ ब्रॉट फॉर बिजनेस लॉसेस 50 लाख के दिए हुए हैं। ब्रॉट फॉर बिजनेस लॉस 50 का था, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन 60 का था। ब्रॉट फॉर बिजनेस लॉसेस सेट ऑफ होने के बाद इसकी आ गई बिजनेस प्रॉफिट, मेरा जो आ गया मेरा पीजीबीपी का प्रॉफिट आया ब्रदर, पीजीबीपी का प्रॉफिट आया बेटा हमारा कि 125 लाख, इसमें से कैपिटल गेन 40 लाख। सर कैपिटल गेन कहाँ से आया? देखो कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड मेंशन्ड अबव, ये जो ऊपर यही वाला जो शॉर्ट टर्म एक्सेस रियलाइजेशन 30 लाख रुपया था, एक्सेस रियलाइजेशन सेल ऑफ लैंड एज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट 30 लाख, ये जो कंसिडर किया है ना एक्सेस रियलाइजेशन 30 लाख, वही ये 40 लाख रुपया है। मतलब उस 30, ये जो 40 लाख रुपए इंक्लूड है इसमें 30 लाख जो ऊपर बताया है वो प्लस 10 लाख अदर इंक्लूडेड है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल टैक्सेबल रेट से जाता है, नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से जाता है, चार्जेबल होता है, लॉन्ग टर्म स्पेशल ट्रीटमेंट तो होगा नहीं, इसलिए इसको यहाँ पे 40 लाख इंक्लूड कर दिए। अब तुम्हारी इनकम होगी 165 और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन तो सेट ऑफ होता ही होता है, सेट ऑफ अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन तुम्हारा 60 का था, टोटल सेट ऑफ हो जाएगा। देखो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन 60 का है, टोटल अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ हो जाएगा। इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 105 लाख, 105 लाख रुपीज की आई है, 105 लाख रुपीज की ये इनकम आई है। इस पर टैक्स अभी लगेगा 25% के रेट से लगेगा, उसके बाद इस पर अगर आप देखो 105 का 25% आपका जाता है 26.25 प्लस स्पेस आई थिंक, हाँ चलो 7% की रेट से सरचार्ज लग जाएगा और 4% की रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा। चलो आओ देखते हैं कंपटीशन ऑफ बुक प्रॉफिट, ये आ गया नहीं, आप यहाँ पे आइए देखिए, कंपटीशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी अंडर द नॉर्मल प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये 105 लाख के ऊपर की टैक्स की बात की है, तो टैक्स पेबल ऑन 1 करोड़ 5 लाख 25% आ जाएगा, क्योंकि 16-17 की प्रीवियस ईयर की बात हो रही है और टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो 26,25,000 सरचार्ज कितना आया, टर्नओवर मेरा 1 करोड़ से ज़्यादा है, सरचार्ज कितना आएगा 7% आएगा। देखो तुम्हें एक बात बताता हूँ मैं, अगर तुमको ये सरचार्ज नहीं आ रहा है, चैनल पे ही 11 मिनट की एक वीडियो पड़ी है, A4 शीट में सबकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस सरचार्ज बता दिए हैं, और उसका PDF पता है मेरे ही टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है, इसको मस्ट कर लो यार, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में अगर ये वाली गलती होगी ना आपसे, तो अगर आपका 14 नंबर का पूरा क्वेश्चन सही है तो काट के मुश्किल से 4 नंबर देगा, इससे ज्यादा वो देगा ही नहीं, इसलिए इसको तो जरूर से कंसीडर कर लो। ठीक है, आइए सरचार्ज 4% एड, सरचार्ज 7% और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड करने के बाद 29,21,100 रुपीज़ का टोटल टैक्स पेबल आ गया। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आपको हो नहीं सकती अगर आपने पीजीबीपी की क्लासेस की हैं तो। ओके, ये था मेरा सिर्फ और सिर्फ स्टेप नंबर 1, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग क्या टैक्स बनेगा। अब स्टेप नंबर 2, सर बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग क्या टैक्स बनेगा, तो बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैसे बुक प्रॉफिट निकालेंगे उसकी भी कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे आइए, कंपटीशन ऑफ बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115JB, नेट प्रॉफिट दिया था आपका 215 लाख, प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी यहाँ पे भी ऐड होगा, प्रोविजंस ऐड होते हैं ठीक है, और डेप्रिसिएशन भी ऐड होगा, बट सर डेप्रिसिएशन कौन सा लेते हैं, डेप्रिसिएशन यहाँ पे गलती से भी इनकम टैक्स एक्ट वाला मत ले लेना, डेप्रिसिएशन इसमें लेते हैं कंपनीज लॉ वाला ही, कंपनी लॉ वाला ही डेप्रिसिएशन लेते हैं। लेकिन होता क्या है कभी कभी इस डेप्रिसिएशन में कोई एडजस्टमेंट हो रही होती है, देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन 100 का ऐड किया लेकिन लेस भी इन्होंने डेप्रिसिएशन कितने का किया है 100 का, बिना किसी एडजस्टमेंट के वही डेप्रिसिएशन फिर से आ रहा था इसलिए उन्होंने लेस कर दिया। ओके, आगे कोई क्वेश्चन आता है इसमें एडजस्टमेंट होगी तो मैं वहां और इसको क्लियरिटी देने की कोशिश करूंगा। ऐड मतलब हमने ये सब कुछ ऐड कर दिया, ऐड क्या क्या किया, 215 लाख प्लस 50 लाख प्लस डेप्रिसिएशन के 100 लाख रुपए 375 लाख, डिविडेंड एग्जेम्प्ट जो इनकम एग्जेम्प्ट उस पर तो टैक्स लग ही नहीं सकता उसको डिडक्ट कर दिया, डेप्रिसिएशन जो एज पर कंपनीज एक्ट होना चाहिए था उसको भी एड बैक कर दी, और बिजनेस लॉसेस विच इज लेस देन अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, इट मीन्स क्या होता है मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे ये जो देखिए बिजनेस लॉसेस दिया है, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन दिया है। जब हम इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं तो बिजनेस लॉसेस पहले सेट ऑफ होते हैं फिर अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन लिमिट नहीं होती है, बट जब हम बुक प्रॉफिट एक्ट के अकॉर्डिंग निकालने जाते हैं तो बिजनेस लॉस और अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर का ही डिडक्शन मिलता है, विच एवर इज लोअर का ही डिडक्शन मिलता है, इन दोनों में से किसी एक का ही जो कम हो उसका डिडक्शन मिलता है। वेन वी आर गोइंग फॉर 115JB
फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट. तो यहाँ 115 JBY में फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट हम जाते हैं, तो बिजनेस लॉस इज लेस देन द अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, 50 लाख का था, केवल इसी का डिडक्शन मिलेगा. थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से कैलकुलेट, फिर से देख लेना इसको. अगर आप बुक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे सारी एडजस्टमेंट होने के बाद, आपके 205 लाख की एडजस्टमेंट आ जाएगी. मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो बुक प्रॉफिट तुम्हारा कितना आया, बुक प्रॉफिट तुम्हारा आया था, उसमें तुमने डेप्रिसिएशन जोड़ दिया और वो खर्चा जोड़ दिया, जो तुमने इसमें प्रोविजन जोड़ा और डेप्रिसिएशन जोड़ दिया. उसके बाद जो इनकम एग्जेम्प्ट है वो हटाया, डेप्रिसिएशन हटाई और बिजनेस लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन व्हिच वाज लोअर को डिडक्ट कर दिया, क्योंकि ये लिखा हुआ है ऐसा किया जाता है, बुक प्रॉफिट आ गया. अब इस बुक प्रॉफिट का 18.5% आप कैलकुलेट कर देंगे, इस बुक प्रॉफिट का 205 का 18.5% जब आप कैलकुलेट कर देंगे, तो फिर से 7% ही सरचार्ज लगेगा और प्लस 4% लगेगा. अब जो फिगर आएगी उसको देख लेंगे. चलो देखते हैं. देखो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम अल्टरनेट टैक्स आ गया मैट 18.5% ऑफ बुक प्रॉफिट, तुम्हारी फिगर आ गई सरचार 7%. हेल्थ एंड एजुकेशन से मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पेबल आ गया 42 लाख रुपये, 42,20,290. ये राउंडेड ऑफ ₹10 होता है, ये हमेशा याद रखना, राउंडेड ऑफ ₹10. मैंने ये भी देखा है कि अगर ये ना लिखो तो इसमें भी 3-4 नंबर काट ही लेते हैं वो लोग. ICICI नंबर काट सकती है, इसलिए लिख देना जरूर से राउंडेड ऑफ ₹10 मतलब वाली फिगर लिखना. कौन सी फिगर ज्यादा है, इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स पेबल ज्यादा आ रहा है या फिर तुम्हारे मैट कैलकुलेशन में टैक्स पेबल ज्यादा आ रहा है. देखो पहला पॉइंट था इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग निकालिए, दूसरा पॉइंट मैट के अकॉर्डिंग निकालिए, अब तीसरा जो ज्यादा आ रहा है वो पे कर देंगे. क्योंकि जो ज्यादा आ रहा है अगर वो पे नहीं करना होता तो हम ये करते ही क्यों, हमने ये किया ही इसलिए कि जो ज्यादा है उसको पे कराएं. 42,20,290 ज्यादा आ रहा है इसलिए ये पे होगा और हमें मैट क्रेडिट भी मिलेगा. 42,20,290 माइनस 29,21,100 अगर हम देखें तो हमें मैट क्रेडिट भी मिलेगा और वो हमें मिलेगा 12,99,190 का. देखो सिंस 18.5% ऑफ बुक प्रॉफिट एक्सीड द टैक्स पेबल एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, द बुक प्रॉफिट ऑफ 205 लाख वुड बी डीम्ड टू बी द टोटल इनकम. बुक प्रॉफिट को ही डीम्ड इनकम मान लिए, देखो डीम्ड है ये, डीम्ड इनकम मान लिए हैं. एंड टोटल इनकम ऑफ टैक्स पेबल ऑन सच ऑफ द टोटल इनकम शैल बी 18.5%. ये जो तुम्हारा कैलकुलेशन करके टोटल आ गया है, क्लियर है. क्वेश्चन में अगर आपको कहीं कोई असुविधा हुई हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि PGBP ठीक से पढ़ लेना, क्योंकि आधा ज़्यादा इनकम टैक्स एक्ट वाली जितनी भी हमने कैलकुलेशन की वो तो PGBP के अकॉर्डिंग थी. देखो इनकम टैक्स एक्ट वाली जितनी भी हमने कैलकुलेशन की, इनकम टैक्स एक्ट की, इसमें दो कैलकुलेशन हुई थी. पहली वाली इनकम टैक्स एक्ट की वो तो PGBP के अकॉर्डिंग थी, उसमें तो कहीं कोई चेंजेस नहीं थे. दूसरा जो है जो मैट कैलकुलेशन थी इसमें हुआ ही क्या है, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन PL वाला, PL में कंपनीज एक्ट वाला लेते हैं और अदर एडजस्टमेंट भी देखो तो लगभग लगभग सेम ही थी. और दूसरा एक डिफरेंस ये था कि बिजनेस लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में जो लोअर है उसका डिडक्शन देते हैं. उस तरीके से बुक प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, बुक प्रॉफिट का 18.5% ले लेते हैं. उसके बाद सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन इसकी भी लिमिट सेम थी, मतलब केवल डिफरेंस तो इतना ही है बाबू, केवल डिफरेंस इतना ही है और कोई डिफरेंस नहीं है. PGBP का कंसेप्ट क्लियर रख लेना, नहीं किया जाके क्लास कर लेना. और हेल्थ और सरचार्ज वाली वो 11 मिनट या 13 मिनट की जो क्लास रखी है इस पर वो जरूर कर लो. PDF भी उसका हटा लो, PDF के प्रिंट भी अपने पास रख लीजिए आप लोग. ओके ओके सर. इलस्ट्रेशन नंबर 2, एम जींस प्राइवेट लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जींस फॉर असेसमेंट ईयर 1920. इट पेड 18.50 ऑफ इट्स बुक प्रॉफिट कंप्यूटर इन सेक्शन 115 JBY, मतलब इन पे मैट लग गया, कंपनी भी थी. द AO थ्रू सर्टिस्फाइड दैट इट इज लाइबल टू पे बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 JBY वॉन्ट्स टू चार्ज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड 234C एज ऑन एडवांस टैक्स. सर ये है क्या, याद करो 234B क्या था. 234B है इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट. ओके याद कर लो, ये मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि ये PDF में दे पाऊँ. और 234C क्या था आपका, इंटरेस्ट ऑन डिफरेंशियल पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स. सर थोड़ा बहुत याद करो, जैसे मान लो जितना हमें देना था, जितना मेरा टैक्स बनता है उसका अगर मैंने 90% तक जमा कर दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन 90% अगर हम कम टैक्स डिपॉजिट किए रहते हैं तो 234B का लग जाता है. और 234C कब लगता है, जैसे कि हमें जो डिफरेंट डेट्स होती हैं 15%, 45%, 75% एंड ऑल दैट जमा करनी होती है, और अगर इसका मिनिमम 12% तक की है तब तो इंटरेस्ट नहीं लगता है. यहाँ पे 36% भी किए होते हैं तो नहीं लगता है, बट अगर ये उससे भी कम है, लाइक मैंने डिपॉजिट ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में केवल 9% की थी, तब यहाँ जो इंटरेस्ट लगता है ना डिफरेंशियल बिटवीन द इंस्टॉलमेंट, ये 234
सी में लगता है, इन्हीं दोनों इंटरेस्ट की बात करता है कि अगर किसी कंपनी पे मैट लगाया तो क्या इस पे इन दोनों का इंटरेस्ट लग सकता है या नहीं लग सकता है। ठीक है, एज नो एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 18-19 द कंपनी सीक्स योर ओपिनियन टू प्रपोज लेवी ऑफ इंटरेस्ट एडवाइस। देखो इमोशनलिज्म नहीं लाना, इमोशनली लग रहा है ना, अरे सर कहाँ गलती करो, 115 GB ऐसे लगा कि उससे आप एक्सेस टैक्स ले रहे हो, इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग उसका इंटरेस्ट उसका टैक्स ऐसे ही कम बनता होगा तो वन ये सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाता होगा। ऐसा नहीं है, अगर इनकम टैक्स एक्ट नहीं लगा और 115 GB लग गया तो भी जो उसका इनकम टैक्स निकल रहा है 115 GB के अकॉर्डिंग जो टैक्स बनता है इसका, इसका भी एडवांस टैक्स देना पड़ेगा और सारे लॉस के कंप्लाइंसेस करने पड़ेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है ना 234B और 234C का, ये सही है। इमोशनलिज्म मत लेके आना, और ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। देखो पढ़ते हैं, द इशू अंडर कंसिडरेशन इज वेदर इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B और 234C कैन बी लेविड अपॉन अ कंपनी असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 JB। सीधे यहाँ पे अगर तुम आओ देखो, सीधे आप आंसर पढ़ सकते हो। चलो मैं पूरा ही पढ़ा देता हूँ। द सुप्रीम कोर्ट टू ज्वाइंट CIT वर्सेस रोल्टा इंडिया लिमिटेड ऑब्जर्व दैट देर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन डिसीजन 115 JB 5 प्रोवाइडिंग दैट ऑल द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 शैल अप्लाई टू एवरी SSC। मतलब सेक्शन 115 JB 5 में ही लिखा है कि सारे के सारे प्रोविजन जो इनकम टैक्स एक्ट के होते हैं वो भी SSC पे लगेंगे। बीइंग अ कंपनी मेंशन इन दैट द सेक्शन 115 JB इज अ सेल्फ कंटेंड कोड परमिटिंग टू मैट एंड बाय वर्चू ऑफ सबसेक्शन 5 देयरफॉर द लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स वुड बी अट्रैक्टेड। देखो मैट तो लग ही रहा है, प्लस 115 B ने बोल दिया कि इनकम टैक्स एक्ट वाले प्रोविजन लगेंगे, तो इसलिए एडवांस टैक्स एक्ट वाला प्रोविजन भी लगना चाहिए, क्योंकि एडवांस टैक्स वाला प्रोविजन कहाँ लगता है, इनकम टैक्स एक्ट में लगता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 207 टैक्स विल बी पेबल टू एडवांस ड्यूरिंग द एनी फाइनेंशियल इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सेक्शन 208 एंड 219 बोथ इंक्लूसिव इन रिस्पेक्ट ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द SSC विच वुड बी चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग दैट फाइनेंशियल ईयर। इस लाइन को मत लिखो, काट दो, कोई मतलब नहीं है आगे, और कितना सेक्शन याद रहने वाला नहीं है। अंडर सेक्शन 115 JB वेयर द टैक्स पेबल टू द टोटल इनकम इज लेस 18.5% ऑफ बुक प्रॉफिट ऑफ द कंपनी द बुक प्रॉफिट वुड बी डीम्ड टू बी द टोटल इनकम एंड टैक्स वुड बी पेबल एट द रेट ऑफ 18.5%। क्या था सर इसका मतलब, वही था ना कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारा टैक्स कम आ रहा है और बुक प्रॉफिट का 18.5% ज्यादा आ रहा है तो हम ज्यादा वाला टैक्स ले लेंगे। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि किसी भी हालत में, देख लो किसी भी हालत में हम बुक प्रॉफिट का 18.5% टैक्स लेंगे ही लेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये भी इन्होंने बोल दिया है कि बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा वो भी हम ही बताएंगे, बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा वो भी हम ही बताएंगे। इसलिए तो देखो ना यहाँ पे क्या होता है कि, छोटी सी बात बताता हूँ, यहाँ पे क्या होता है कि बिजनेस लॉस और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में जो लोअर होता है केवल उसका बेनिफिट लेते हैं, लेकिन जब PGPP इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो बुक बिजनेस लॉस एज वेल एज अरे क्या हो रहा, बिजनेस लॉस एक्स वेल अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन दोनों का आपको डिडक्शन मिलता है, बट यहाँ पे दोनों का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके ओके सर, चलो आगे देखते हैं। सिंस इन दिस केस द प्रॉफिट इज डीम्ड टू बी द टोटल इनकम देयरफॉर एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 207 टैक्स विल बी पेबल इन एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बुक प्रॉफिट डीम्ड टू बी द टोटल इनकम ऑल्सो। मतलब इस 18.5% वाली जो फिगर आई है इस पर टैक्स भरना पड़ेगा। देयरफॉर द कंपनी डिफॉल्ट्स इन द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 115 JB इट वुड बी लायबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड 234C। देखो मेरा ये PDF थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, ऊपर के सब कुछ इरेज हो गया, बट आपने लिखा होगा, लिखा होगा तो अच्छी बात है। देयरफॉर इवन दाउ एम जेम्स मैत्री जेम्स प्राइवेट लिमिटेड इज असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 JB फॉर असेसमेंट ईयर 1920 इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स सिंस एम जेम्स प्राइवेट लिमिटेड हैज टू पेड एनी एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 1819 द लेवी ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B एंड 234C इज वैलिड। Has not been, उन्होंने कोई एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया, 234B और सी का इंटरेस्ट लग जाएगा और ये वैलिड है। देखो इसमें इमोशनल मत होके सॉल्व कर देना कि यार ऐसे ही उससे मैट ले रहे हो, जबरदस्ती का ज़्यादा टैक्स आप ले रहे हो, उसके बाद इंटरेस्ट भी लगाओगे, जी हाँ इंटरेस्ट भी लगेगा। ओके चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसका भी मैं वॉच टाइम देखूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही और लेक्चर्स बनाऊंगा मैं।
सोना लिमिटेड अ रेसिडेंट कंपनी अर्नड प्रॉफिट ऑफ रुपीज 15 लाख आफ्टर डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर इंडेड 31 मार्च 2019। आइटम डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देखो प्रोविजन फॉर द लॉस ऑफ सब्सिडरी, पहली बात तो ये डेबिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, एड बैक कर देंगे। प्रोविजन, फिर ये भी प्रोविजन आ गया, इसको भी एड बैक कर देना चाहिए, फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एक्ट, ये भी एक प्रोविजन है, इसको भी एड बैक कर देना चाहिए। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन, वो वाला प्रोविजन जो एक्चुअल वैल्यूएशन या एज पर एनी अदर एक्ट फॉर कंप्लायंस ऑफ एनी अदर लॉ और एक्ट होता है, वो वाला प्रोविजन अलाउड होता है, ठीक है, उसको एड बैक नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को भी एड बैक करेंगे। इंटरेस्ट ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अनपेड बिफोर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये अनपेड है भाई, इसको भी एड बैक कर दो था। अगर पेड हो जाएगा फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले पहले, तब तो खर्चा अलाउड हो जाता है। 43B वाली सेक्शन याद करिए, PGBP जिन्होंने पढ़ा हो उनके लिए ये चीज़ ईजी हो जाएगी। अब उसके बाद पेनल्टी फॉर इन्फ्रेकेशन ऑफ लॉ, लॉ के ब्रीच की पेनल्टी तो अलाउड ही नहीं होती है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के बीच की पेनल्टी होती, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी तो बिजनेस में अलाउड है, बट लॉ के ब्रीच की पेनल्टी अलाउड नहीं होती, इसलिए भी खर्चा एडबैक हो जाएगा। आइटम क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट एस्टेब्लिश्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, भाई ये भी एग्जेम्प्टी है, इसको भी डिडक्ट करिए। इन शेयर ऑफ इनकम ऑफ AOP एज अ मेंबर, शायद ये कंसिडर सेपरेटली होना चाहिए, मैं भी देखता हूँ इसको इसने क्या किया है। इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ UTI लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये भी तुम्हारा कैपिटल गेन हेड का मामला है। अदर इंफॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन इंक्लूड 1,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्या रिवैल्यूड फिक्स्ड एसेट का डेप्रिसिएशन हटाना पड़ता है, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट हटाना पड़ता है, लिख लो वहाँ पे रिवैल्यूएशन का इफेक्ट हटाना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो 1,50,000 जो है ना डेप्रिसिएशन में से डाउन हो जाएगा। मैंने बोला था डेप्रिसिएशन में कई जगह कैलकुलेशन आपसे करवाएगा, 3,60,000 रुपये जो डेप्रिसिएशन है इसमें से 1,50,000 रुपये डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा। 3,60,000 में से 1,50,000 आप करोगे, 2,10,000 रुपये डेप्रिसिएशन आपकी डिडक्ट होगी। ये वाली डेप्रिसिएशन तो एडबैक हो जाएगी और 2,10,000 रुपये डेप्रिसिएशन आपकी डिडक्ट होगी। अभी देखते हैं आगे क्या है। और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ये मैट कैलकुलेशन के लिए था, इनकम टैक्स एक्ट वाला, इनकम टैक्स एक्ट 2,80,000 दिया है वहाँ पे वो कैलकुलेट होगा, क्योंकि वही याद करो पहला इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा मैट के सबसे, तीसरा जो ज़्यादा हो। तो ये पहले, ये दूसरे के लिए बात कर दिया आपका, ये पहले के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करने के लिए। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ ₹10 लाख विच इंक्लूड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ ₹4 लाख, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस 10 लाख रुपए है, तो मतलब बिजनेस लॉस कितना है, बिजनेस लॉस आपका 6 है और विच इंक्लूड अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन आपका 4 है। ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर, मतलब अगर हम दूसरे नंबर वाली कैलकुलेशन कर रहे हैं मैट वाली, तो 4 लाख का ही हमको डिडक्शन मिल सकता है। द कैपिटल गेन हैज बीन इन्वेस्टेड इन स्पेसिफिक असेट अंडर सेक्शन 54EC, 54EC का बेनिफिट मिलेगा क्या मैट कैलकुलेशन में, मिलेगा क्या 54EC का बेनिफिट? अभी हमने पढ़ा था कि इनकम टैक्स एक्ट में जो रूल लगते हैं वही रूल मैट वाले के लिए भी लगेंगे, तो यहाँ पे 54EC का भी बेनिफिट मिलना चाहिए। AOP ऑफ विच इज द एनी कंपनी इज अ मेंबर हैज पेड मैक्सिमम मार्जिनल रेट, ओके AOP के लिए जिस पे कोई कंपनी मेंबर होती है उस पे मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगता है, आपको पता होगा। प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इंक्लूड 75,000 ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू द इनकम टैक्स एक्ट, ये भी हमको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ये भी हटता है। कंप्यूट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एज पर 115JV ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, एज्यूमिंग दैट सोना लिमिटेड इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करते ना तो जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, उसके भी कुछ एडजस्टमेंट यहाँ करने पड़ते हैं। और सेकेंड थिंग, ये AOP वाला पॉइंट मैं बता दूँ, AOP BOI वाली बात जो होती है, देखो जो जब AOP BOI या जो सोसाइटीज़ होती है उनका जब हम इनकम टैक्स निकालते हैं, तो अगर किसी भी मेंबर की, मान लो 4 मेंबर हैं, किसी भी मेंबर की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर इनकम नहीं है, मतलब किसी भी इनकम के अगर किसी भी मेंबर की इनकम 2.5 लाख से एक्सीड नहीं करती है, तो इस AOP BI को ही 2.5 लाख रुपए का बेनिफिट मिल जाता है और उस बेसिस पे इसका टैक्सेबल होता है। बट अगर इसी में कोई कंपनी हो गई तो उसको तो बेनिफिट मिलना नहीं था, कोई ऐसा पर्सन आ गया, मान लो कोई पर्सन नहीं है जिसकी इनकम ही 5 लाख रुपए है, तो उसको भी बेनिफिट नहीं मिलना पड़ेगा, तो टोटल इनकम ही मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्सेबल हो जाती है। फॉरेन कंपनी आ जाती है तो भी मैक्सिमम मार्जिनल रेट लगता है, लेकिन 40% वाला फिर स्लैब रेट आ जाता है। तो इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन होती है। चलो अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन को रीड आउट करना, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट थी, शायद पूरे एक पेज की क्वेश्चन है, देखो पूरा एक पेज है क्वेश्चन में। देखो टॉपिक, ये टॉपिक बहुत टफ है,
टफ है ये टॉपिक, नो डाउट टफ है, बट स्कोरिंग भी है, पास भी कराएगा आपको, आपका इस कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप करेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होगी, लगे रहना, जमे रहना। हमने अभी तक इस क्वेश्चन को जितना भी पढ़ा वो हमने एज पर PGVP क्या करना चाहिए, क्या होगा, इस बेसिस पे मैंने बता दिया आपको। अब इस क्वेश्चन की मेन लाइन पे देखें, कंप्यूट करना है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एज पर 115 JB, तो 115 JB के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सिर्फ अब उस चीज़ को अगर लिखें और बाकी चीज़ को हम इसमें से डिलीट कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। 115 JB के अकॉर्डिंगली क्या क्या होना चाहिए, ये जो मैंने लिखा था जितना मैंने बताया वो सब कुछ सही है, बट अब मैं आपको कुछ और ज़्यादा इसमें क्लियरली स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली उसी पॉइंट पे, क्योंकि 115 JB जो है ये अपनी कुछ एक्सप्लेनेशंस देता है, 115 JB अपनी एक्सप्लेनेशन देता है, उसके एक्सप्लेनेशन में जो बातें लिखी होती हैं सिर्फ इतना ही करना चाहिए हमें 115 JB के अकॉर्डिंगली। चलो 115 JB के अगर मैं एक एक्सप्लेनेशन आपको बताऊँ, देखो इसमें प्रोविज़न हटेगा, ये प्रोविज़न जाएगा, 115 JB के साथ इनकम टैक्स की इंक्लूड है, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट, बट जो वर्ड्स लॉ में लिखे हैं केवल वही इंक्लूड करते हैं, इनकम टैक्स का इंटरेस्ट हट जाएगा, तो मतलब ये भी एडबैक करना है, ये भी एडबैक करना है, ये भी एडबैक करना है, और कोई एक्चुअल वैल्यूएशन होता है तो वो तो अलाउड होता है, डेप्रिसिएशन एडबैक करना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पेनल्टी, इसका कहीं जिक्र ही नहीं किया है 115 JB के एक्सप्लेनेशन वन में, इन दोनों टॉपिक्स का कहीं जिक्र ही नहीं किया है। तो जब हम बुक प्रॉफिट की कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी हम टैक्स की कैलकुलेट नहीं कर रहे, बुक प्रॉफिट की कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इन दोनों की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। ओके, इसके पहले सर आपने बोला था वो मैंने इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग बोला था, इसीलिए क्लियर करके अब 115 JB के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। ओके, क्लियर रखो कुछ चीज़ों को अपने माइंड में, प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट स्टेबलाइज्ड इन सेज नहीं बोला है कुछ भी, शेयर इन इनकम ऑफ AOP मेंबर 1 लाख रुपीज, इसको भी टैक्स नहीं लगा सकते, एग्जम्प्ट तो वर्ड गलत हो जाएगा, इस पर भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया था कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट से, जिस रेट से टैक्स लग सकता था लग चुका है, तो दोबारा इस पर टैक्स तो नहीं लगाएंगे ना, इसलिए इसको एग्जम्प्ट भी कह सकते हो एक तरीके से, बट ये दोबारा बुक प्रॉफिट में नहीं आएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। इनकम फ्रॉम UTI एग्जम्प्ट होती है, एग्जम्प्ट इनकम कभी नहीं आती है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात में यहाँ पे देखिए 54 की बात की थी इसने, 54EC एक्सप्लेनेशन वन में 54EC के बारे में भी कोई बात नहीं कहा है। इट मीन्स जब हम बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे 115 JB के लिए, तो हम इस 54EC का भी कोई डिडक्शन नहीं लेंगे। इसके पहले मैंने बोल दिया था आपसे, इसके पहले जब बता रहे थे कि यार उसने लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रोविज़न लगेंगे, इसलिए 54EC वाले भी प्रोविज़न लग जाएंगे, बट ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं लगेगा इसमें। ओके ओके सर, आप एक बार पेज नंबर 12.28 पे आइए, जिसकी एडजस्टमेंट मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। मैट दो बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रियल में ये टॉपिक असेसमेंट प्रोसीजर भी टफ है और मैट भी काफ़ी टफ पड़ता है। इट इज़ ओनली द स्पेसिफिक आइटम मेंशनड अंडर एक्सप्लेनेशन 1 और 2 सेक्शन 115 JB। मैट के लिए तो कुछ टीचर्स भी बोल देते अगर आपसे नहीं हो पा रहे तो छोड़ दीजिए, बट मैं मेंशन करूँगा कि इतना ही कर लो, और ये गारंटी है, मेरी गारंटी है, इसी में से क्वेश्चंस पक्का मिल जाएंगे। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं समझ में आनी, फिर भी बस भाई एज एन लॉ में कहा है तो कर रहे हैं ये समझ लो, क्योंकि यहाँ रीजनिंग लॉ क्यों ऐसा है वो देने का टाइम भी नहीं है। इट इज़ ओनली द स्पेसिफिक आइटम मेंशन अंडर सेक्शन 1 ऑफ एक्सप्लेनेशन 115 एक्सप्लेनेशन 1 टू द सेक्शन 115 JB विच कैन बी एडजस्ट फ्रॉम द नेट प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ PL प्रिपेयर्ड एज पर द कंपनीज एक्ट फॉर कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट फॉर लेवी ऑफ मैट। सीधी सीधी बात लिखी है जी, सीधी सीधी बात की जो मेंशन किए हुए ना एक्सप्लेनेशन 1 में, केवल वही स्पेसिफिक आइटम की ही एडजस्टमेंट होती है PL अकाउंट में फॉर कैलकुलेशन ऑफ बुक प्रॉफिट टू लेवी मैट, और इसमें 54EC की कोई बात नहीं कही थी, 54EC की भी बात इसमें नहीं कही है, इसमें हमको इंटरेस्ट ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की भी बात नहीं कही है, और पेनल्टी ऑफ इन्फ्रैक्शन ऑफ लॉ की भी बात नहीं कही है, इसलिए दीज आइटम्स आर नॉट स्पेसिफिकली देयर अंडर द सेम कैन नॉट बी एडजस्टेड फॉर कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट। जो स्पेसिफिकली लिखे हैं वही करेंगे, इसका मतलब क्या सर, ये रटना पड़ेगा, जी हाँ ये रटना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, बात लर्न करनी पड़ेगी कि ये दोनों वहाँ लिखे ही नहीं है, लॉ तो आधा रटना ही पड़ता है ना मेरे दोस्त। प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी फंड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन इज एन एसर्टेंड लाइबिलिटी
हैंस द सेम वुड नॉट बी एडेड बैक टू द कंप्यूटिंग ऑफ प्रॉफिट. ये तो लाइबिलिटी है, कंटिजेंट लाइबिलिटी को नहीं लेते हैं, बट ये लाइबिलिटी तो एसर्टेंट हो गई क्योंकि एक्चुअल वैल्यूएशन की है. उसके बाद बात करते हैं 115JB6 बोलता है द प्रॉफिट फ्रॉम यूनिट एस्टेब्लिश्ड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड वाइल कंप्यूटिंग द बुक प्रॉफिट एंड हैंस नॉट एंड सच इनकम वुड बी लाइबल टू मैट. मतलब सेज वाली की सेज को एक्सक्लूसिवली बोल दिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जिस यूनिट का प्रॉफिट हुआ है ना उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते. इनकम टैक्स एक्ट में क्या एक्सक्लूड कर देते थे? हाँ सर, इनकम टैक्स एक्ट में तो एक्सक्लूड कर देते थे, बट बुक प्रॉफिट निकालने के लिए 115JB के अकॉर्डिंग जब बुक प्रॉफिट निकालना हो तो इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैन नॉट बी डिडक्टेड वाइल कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट इवन इफ अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इज इन्वेस्टेड. मतलब जो कैपिटल गेन आया है ना उसमें से डिडक्ट नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ऑफ 54EC वाली. सिंस बुक प्रॉफिट हैज टू बी कंप्यूटेड बाई एडिंग डिडक्टिंग ऑफ आइटम मेंशन्ड अंडर एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115JB अलोन. केवल बुक प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ 115JB के ही अकॉर्डिंग करना है. और उसमें ना कैपिटल गेन रिफ्लेक्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट शैल बी द पार्ट ऑफ बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115JB लिखा है. कैपिटल गेन जो भी दिखा रहा है वो 115JB का पार्ट है. कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 153EC कैन नॉट ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड फॉर कंप्यूटिंग बुक प्रॉफिट. और ये 54EC वाली बात है, उसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते. और ये बात विकायल इन्वेस्टमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस CIT में हो चुकी है. बल्कि देखो 3 केस लॉस हैं इसके ऊपर. 54EC की डिडक्शन नहीं मिलेगी जब हम बुक प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं. तो सर सिंपली आपने जो बताया इसका मतलब मेरी ये फिगर होगी, ये ऐड होगी, ये ऐड होगी. हाँ सर यही सब ऐड होगी. डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पे निकाला था 3,50,000 माइनस 1,50,000, तो यहाँ पे 2,10,000 रुपये की सर डेप्रिसिएशन मिल जाएगी. इनकम टैक्स रूल्स वाली डेप्रिसिएशन. बहुत बड़ा कॉशन यहाँ लिख लो, कॉशन जो गलती हर बार होती है. यहाँ पे तुम PGBP का प्रॉफिट नहीं निकाल लो. ये देखो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एस्पेक्ट 115JB होता है. तो ये गलती से मत करना कि ये वाला डेप्रिसिएशन हम ऐड बैक कर दिए. कौन सा डेप्रिसिएशन सर? ये वाला डेप्रिसिएशन हमने ऐड बैक कर दिया और ये वाला डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर दिया. ये PGBP का नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट वाला है. और जब 115JB निकलते हैं ना तो कंपनीज एक्ट वाला ही डेप्रिसिएशन डिडक्ट होता है आफ्टर सम एडजस्टमेंट. रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट की जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगा उसको एक्सक्लूड करने के बाद सेम डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर देंगे. सॉल्यूशन पे आ जाओ. कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट 15,00,000 रुपए का है. नेट प्रॉफिट टू बी इंक्रीज्ड बाय द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ एक्सप्लेनेशन. प्रोविजन फॉर सब्सिडरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एक्ट. ये तीनों जुड़ जाएगा. और यहाँ पे ये पढ़ लीजिए, एक्सप्लेनेशन टू में बोला है इनकम टैक्स शैल इंक्लूड इंटर अलिया एनी इंटरेस्ट चार्ज अंडर द टैक्स अंडर द एक्ट. देयरफॉर होल्ड द अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग 45,000 टुवर्ड इंटरेस्ट पेबल हैज टू बी एडेड. ये 45,000 एक्सक्लूड नहीं करना है. 1,05,000 कहाँ गया यार, इवन सेकेंड, 1,05,000. इस 1,05,000 में जो 45,000 इंटरेस्ट का था कहीं लिखा हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको. 45,000 प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूड 45,000, तो इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं, हमें इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लेना है. और डेप्रिसिएशन 3,60,000 का हम ऐड बैक कर देंगे. रट लो स्पेसिफिकली केवल यही आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछता है. लेस करेंगे क्या? शेयर इन इनकम ऑफ AOP मेंबर से. क्यों सर? क्योंकि इस पे MMT रेट से, मैक्सिमम मार्जिनल टैक्स रेट से, जब हम टैक्स भर ही चुके तो दोबारा क्यों टैक्स भरेंगे? यही बात यहाँ लिखी होगी. इनकम फ्रॉम UTI सर, ये तो इनकम ही एग्जेम्प्ट होती है, इनकम ही एग्जेम्प्ट होती है. देखो इनकम ऑफ UTI शैल बी रिड्यूस्ड वाइल कंप्यूटिंग द बुक प्रॉफिट सिंस इज एग्जेम्प्ट इनकम. एग्जेम्प्ट इनकम को कहीं पर भी नहीं मैट में लेते, एग्जेम्प्ट इनकम को कहीं पर भी मैट में नहीं लेते. कौन सी ले सकते सर? डिडक्शन वाली पे आप एक बार सोच लो, जिसकी डिडक्शन मिलती है उसको सोचो, लेकिन एग्जेम्प्ट को तो सोचने की जरूरत ही नहीं, उसको डायरेक्ट हटा दीजिए. डेप्रिसिएशन 2,10,000 मैं बता दिया कैसे आया है. अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड विच एवर इज लोअर का बेनिफिट मिलेगा. मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया था 4,00,000 और 6,00,000 याद करिए, तो 4,00,000 का ही बेनिफिट आया था डेप्रिसिएशन. और डेप्रिसिएशन कह रहे हैं लॉस, पीजीबीपी का लॉस और अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर का बेनिफिट मिलता है जब हम मैट की कैलकुलेशन करते हैं. तो 10,00,000 में 6,00,000 इंक्लूडेड था, ये मुझे मिल नहीं रहा. ये रहा ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 10,00,000 जिसमें से 6,00,000 4,00,000 अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का है. तो 4,00,000 अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का बिजनेस लॉस कितना होगा? 10 में से 4 गया 6 बचेगा, दोनों में लोअर कितना है? 4 की ही डिडक्शन यहाँ मिलेगी. तो देखिए 4,00,000 की डिडक्शन मिलने के बाद बुक प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया 13,25,000.
इसका कितना परसेंट सर? 30%। क्या सरचार्ज लगेगा सर? 1 करोड़ से ज़्यादा है ही नहीं, तो 7% सरचार्ज नहीं लगेगा। जो अमाउंट है डायरेक्ट 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सर लगा के आप टैक्स लगा दीजिए। देखिए 18.5%, सॉरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे, मुझे माफ़ कर दो और खुद को भी माफ़ कर देना अगर तुमसे भी ये गलती हो, क्योंकि यहाँ कॉशन है, हमारी आदत पड़ चुकी होती है 18-30% लगाने की, बट ये तो 18.5% लगेगा क्योंकि बुक प्रॉफिट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, छोटी मोटी ह्यूमन एरर हो सकती हैं, बट ये फ्लो में हुई है गलती, क्योंकि हर जगह में आदत होती है कंपनी देख के 30% टैक्स लगाने की, यहाँ 18.5% लगेगा क्योंकि हम बुक प्रॉफिट पे टैक्स लगा रहे हैं। ओके, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% लग के तुम्हारा मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लाइबिलिटी आ गया 2,54,930 रुपये का, 2,54,930 रुपये की तुम्हारी आ गई मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लाइबिलिटी। ओके, आज के सेशन को यहीं पे रोकते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर या इलस्ट्रेशन नंबर 4 के साथ। टेक केयर, स्टे कनेक्टेड और सब्सक्राइब आप भी करिए और औरों के साथ भी इसको शेयर करिए। बाय बाय, हैप्पी रीडिंग।